नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। प्रवर्तन दल द्वारा पंकी पावर हाउस मार्केट की दुकानों में छापा, करीब 1 क्विंटल पॉलीथिन जब्त, 49,000 का जुर्माना। नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी कर्नल आलोक नारायण ने प्रवर्तन दल के साथ पंकी पावर हाउस के नजदीक मार्केट की दुकानों में अचानक छापा मारा। इस छापे के चलते दुकानों में भगदड़ मच गई। कार्यवाही में तकरीबन 8 दुकानों से 97 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक के ग्लास, चम्मच, कटोरी, कैरी बैग, थर्मोकोल की प्लेटें इत्यादि जब्त की गयी और इनसे राजस्व निरीक्षक दिग्विजय नाथ द्वारा 49,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। मौके पर स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी आ गए, जिन्होंने नगर निगम की कार्यवाही का सहयोग किया। इस अभियान में प्रमुख रूप से प्रवर्तन दल के सूबेदार अवधेश सिंह, लक्ष्मण, वीरेंद्र स्वरूप, रामेंद्र, हवलदार राज नारायण, जितेंद्र बहादुर, राम नरेश, राजेश, इंद्रजीत, धनंजय, जितेंद्र, भूपेंद्र इत्यादि शामिल रहे। कानपुर से संवाददाता किशोर मोहन गुप्ता की खास रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.